एक नन्हा बालक जिसकी उम्र महज 2-2.5 बरस रही होगी अपने पिता के साथ खेत में गया। वहां लोगों को खेत में काम करते हुए देखकर वो भी पिता की उंगली छोड़कर खेतों में बैठ गया और पौधों की तरह छोटे छोटे तिनके खेत में बोने लगा। क्या कर रहे हो बेटे, पिता ने पूछा। बबू के बो रहा हूं, बालक ने तुतलाते हुए बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। उसे बंदूकें बोलने नहीं आ रही थी, इसलिए वो बबूके बोल रहा था। वो नन्हा बालक कोई और नहीं बल्कि इस देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने वाले भगत सिंह थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लालपुर के बंगा गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा बंगा गांव के प्राइमरी स्कूल में आरंभ हुई। 1919 में असहयोग आंदोलन के समय भगत सिंह 7वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। इस आंदोलन ने इन्हें काफी प्रभावित किया। अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी तथा 16 को कारावास की सजा दिए जाने की घटना ने भगत सिंह के मन पर अमिट छाप छोड़ी और भगत सिंह को क्रांति के लिए प्रेरित किया। इस घटना के बाद वो चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। इस पार्टी को एक नया नाम दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उन्होंने विश्व के क्रांतिकारियों के साथ भारत के तत्कालीन क्रांतिकारियों के जीवन का गहराई से अध्ययन किया। 10-11 साल की उम्र में ही भगत सिंह का चिंतन काफी गहरा हो गया था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने इनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। बम फेंक कर भी दोनों ने भागने से मना कर दिया था और अपनी गिरफ्तारी दी थी। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को इनके 2 अन्य साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। कहते हैं तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में इनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदल ना जाए, जिससे उसने 23 और 24 की मध्य रात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी।